अभी थोड़े दिन पहले आप लोगों ने एक न्यूज़ देखी होगी कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बिजनेस इंडिया में कितना बड़ा बिजनेस होने वाला है और इसकी ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड है 18% से ग्रो होगा। इसी थीम पे मैंने एक कंपनी आइडेंटिफाई करी है जिसका नाम है सारेगामा। कंपनी के आज की डेट में ओन्ड चैनल्स के अंदर 239 मिलियन फॉलोअर्स हैं अक्रॉस यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। यहाँ पे कंपनी ने एक बहुत बढ़िया गेम चलाई है, वो आप समझिए। कंपनी के कोर बिजनेस से जो पैट मार्जिन बनता है वो है 34% का। दुनिया में ऐसा बिजनेस बताइए जो कि 100 रुपये के रेवेन्यू पे 30-34 रुपये पैट लेके आ रहा है आफ्टर टैक्स, ऐसा धंधा आपको नहीं मिलेगा। बहुत कम गिनती की कंपनीज हैं जो कि इस लेवल पे काम कर रही हैं। कंपनी ने ये देखा कि उनके जो गाने हैं, जो कि इस टाइम कैटलॉग जो है 1.5 लाख गानों से ज़्यादा का हो चुका है, 75 तो फिल्म लैंग के पास, यहाँ पे कंपनी की रेवेन्यू गेम जो है वो रेकरिंग गेम बन चुकी है। यहाँ तो कंपनी की कैश काउ का बिजनेस जो है वो अगले 10 साल के या 15 साल तक आपको दिखाई देता रहेगा। कंपनी ने क्या किया कि अब न्यू डाइवर्सिफिकेशन मारने के लिए, क्यों? क्योंकि एक अच्छी कंपनी की खासियत ये होती है, किसी भी आप हिस्ट्री में जाके चेक करें कि वो अपने बिजनेस को इनोवेशन पे और डाइवर्सिफिकेशन पे जरूर लगाते हैं एक लेवल की ग्रोथ के बाद। यहाँ पे सारेगामा ने क्या किया है कि उनका जो म्यूजिक बिजनेस है वो एक बहुत लेवल पे अच्छा आपको ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे जितने भी वर्ल्ड के अंदर स्ट्रीमिंग डिवाइसेस हैं, गाने लोग सुन रहे हैं, इंस्टाग्राम पे लोग गाने लगा रहे हैं, तो कंपनी को हर गाने के स्ट्रीम पे पैसा मिल रहा है। लगभग लगभग कहते हैं कि 1 पैसा पर स्ट्रीम गाने का इन कंपनीज को मिलता है। यहाँ पे बिजनेस तो इनका एक स्केलेबल आप ऑटोमेटिकली देख रहे हैं कि हर क्वार्टर ये लोग नए गाने लगाते हैं और वो गानों को लोग स्ट्रीम करते हैं और वो लोगों को गाने आगे फ्यूचर में लोग चलाते हैं। फॉर एग्जांपल इस क्वार्टर कंपनी ने चमकीला पिक्चर आई थी, उसके म्यूजिक राइट इस कंपनी के पास है। आप ये समझिए कि ये बिजनेस तो इनका चल रहा है, अब कंपनी ने पूरा का पूरा नया फोकस जो बनाया हुआ है वो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बिजनेस के अंदर। यहाँ पे 6 महीने पहले इन्होंने एक कंपनी खरीदी, उस कंपनी को अपनी कंसोलिडेटेड बुक्स में लेके आने के बाद कंपनी अब इस गेम को आगे बढ़ाएगी। कैसे? कंपनी के पास इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग फर्म होने की वजह से इनके पास कुछ लोगों के एक्सक्लूसिव राइट्स हैं। आप ये सोचिए कि पूरी की पूरी गेम मोनेटाइजेशन की अगर एक कंपनी कंट्रोल करके बैठी हुई है वेरियस आर्टिस्ट वेरियस इन्फ्लुएंसर्स के, तो वहां पे जो मार्केटिंग का रेवेन्यू आएगा इन लोगों के पास, उसका कुछ परसेंटेज का कट आपको सारेगामा की बुक्स में भी दिखाई देगा। यहाँ पे समझ में आ चुका है कि अपने कैश फ्लोस को कंपनी ने एक सही जगह पे री इन्वेस्ट करके एक नए बिजनेस के अंदर एंट्री ली है और ऐसा बिजनेस जो कि इंडिया का हाईएस्ट ग्रोथ लेवल पे इस टाइम जाने वाला है। और सबसे बड़ी बात क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ योर कोर एक्सपर्टीज इन अ न्यू बिजनेस। तो यहाँ पे कंपनी का जो स्केल होने वाला है ऑपरेशंस का वो बहुत बढ़िया रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कंपनी को घबराने की कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे सकती। क्यों? क्योंकि एग्जिस्टिंग बिजनेस में ही अगर पैट आपका 34% का है तो आप ऐसी बेट्स फ्यूचर के लिए ले सकते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपके पास एक कैश काउ का होना बहुत जरूरी है, तभी आप नए बिजनेसेस के अंदर एंट्री लीजिए। आपको डेट लेने से कभी इतना सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट बुक्स में नहीं दिखाई देगा। कंपनी ने अपने एग्जिस्टिंग कैश को यूज करके डिप्लॉय किया है और इसका इफेक्ट आज से 2 से 3 साल के टाइम पीरियड में आपको दिखाई देगा, जब इसका नए बिजनेस का एक सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन कंसोलिडेटेड बुक्स में दिखाई देगा। ये स्टॉक मैं पिछले 2 साल से ट्रैक कर रहा हूँ और ऐसे ही ग्रोथ पे जब कंपनी स्टॉप होना शुरू हुई थी वहां पे इन्होंने एक एक्विजिशन मारा। तो ये एक अच्छी कंपनी की खासियत क्या है कि आपको जब फ्यूचर में स्लो डाउन दिखाई देता है अपने कोर बिजनेस में तो आप नए बेट्स लेते हैं ताकि आपकी रनिंग इनकम जो है वो बढ़ती रहे। इस स्टॉक को अगले 5 साल आप देखिए और नोटिस करें कि ऐसा बिजनेस इस मार्जिन पे आपको और कहां पे दिखाई दे रहे हैं। थैंक यू।